हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहले देखते हैं श्रृंखला सीरीज में वर्ग संख्याएं, इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे घन संख्याएं, इसके बाद हम लोग ले चलेंगे नंबर सीरीज पर भी। देखते हैं और याद करते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में करना होता है। देखिए, दो का होता है चार होता है, तीन का अगर हम बात करेंगे तो नौ हो जाएगा, चार का 16 होता है, पाँच का 25 होता है, 25, छः का 36 हो जाएगा, कितना होता है 49 जो कि 49, आठ की अगर हम बात करेंगे तो 64 होता है, 9 की 81, 10 का 100 होता है, 11 की अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है 121 होता है, 12 की अगर हम बात करेंगे 144, ठीक है। अगला चलेंगे 13 की अगर हम बात करेंगे 169 होगा। देखना, अभी जब नंबर सीरीज क्वेश्चन कराएंगे तो ये वाले स्क्वायर अभी समझ में आएगा कहाँ ज़रूरत पड़ती है। 14 का होता है 196, 15 की अगर बात करेंगे तो 225 होता है वर्ग संख्याएं, 16 चलते हैं, 16 पे क्या हो जाएगा 256, और चलेंगे 17 पे हम बात करेंगे 289, 18 की अगर हम ले चलेंगे 324 हो जाएगा, और 19 की अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा इसमें, 19 की अगर चलेंगे 361, अगर हम 20 का अगर बात करेंगे तो 400 हो जाएगा। अगला अगर हम चलेंगे कितने पे देखते हैं, 21 का होता है 441, 22 की अगर 484, 23 का 529 होता है, 24 की अगर चलेंगे तो 576 होता है, 25 हमारा 625 होता है, और 26 की अगर बात करेंगे तो 676 होता है, 27 729 होता है, 28 का होता है 784, 29 की अगर ले होता है, 30 की अगर हम बात चलेंगे तो 900 होता है, 3 × 900, तो 30 तक याद हुए। अब हम चलते हैं घन संख्याएं पर, 12 तक केवल जानेंगे और फिर अपने नंबर सीरीज पर चलेंगे। देखिए, एक का तो हमारा एक ही होता है, दो का 8, 3 का 27 होता है, 4 के अगर चलेंगे तो 64 होगा 4, ठीक है, और 5 के अगर हम बात करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 का होता है 125, और चलेंगे 6 के अगर चलेंगे तो 216 होता है, 7 का अगर हम बात करेंगे तो 343, 8 का होता है 512, और 9 का होता है 729, 10 के अगर चलेंगे तो होता है 1000, और 11 के अगर चलेंगे तो 1331, 12 के अगर होता है 1728। याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की ओर, और इस पर चलेंगे हम लोग। 24 तक तो देख चुके थे, अब हम लोग उसी के आगे देखेंगे 25 नंबर से, ठीक है। देखिए, 4 है, फिर कामा है, 11 है, फिर 18 है, 25 है, 39 है, तो इस पर हम चलेंगे कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, तो देखेंगे कैसे क्या होगा। बहुत आसान, देखिए कितना अंतर है, डिफरेंट 7 का है, और फिर 11 7 कितना होता है 18 होता है, 18 7 25 होता है ना, 25 हो जाएगा। और देखिए, हमें मालूम चल रहा है कि 7 का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट करेंगे तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39 और 7 जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 46, तो ऑप्शन नंबर देखें जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, 3, 5, 9, 15 और 23, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो करेंगे कैसे, देखिए 3, 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, अब देखिए इसमें 5 और 9 4 होता है, और 9, 15 6 होता, अच्छा मालूम चल रहा है कि 2, 4, 6 और 15, 8, 23 और 8 23 हो गया ना, 23 और 10 कितना होता है 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले अगर चलेंगे हम 27 नंबर का, तो देखिए इसमें कितना है डिफरेंट, पहले देखिए पहला नंबर डिफरेंट है, हम लोग चेक करेंगे, 6 का डिफरेंट है, फिर 6 का डिफरेंट है 8, 6, 14, अब फिर चलेंगे डिफरेंट कितना हो जाएगा 14, 10, 24 हो जाएगा,
और फिर 24 10 34 हो जाएगा। अब फिर डिफरेंट अगर हम जानेंगे तो 34 और 14 48 होता है, फिर 14 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा इसमें डिफरेंट है हमारा, देखिए पहले 6 का है, फिर 10 का है दो बार, और फिर इसके बाद 12 और 4 1 5 और 6, तो 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है ऑप्शन में, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, 5 6 8 11 15 20 है, इस पर अगर हम बात करेंगे तो 1 का अंतर हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 का अंतर हो जाएगा, 3 का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलेंगे भाई नेक्स्ट चलेंगे, क्या है देखिए 1 3 है ना, 2 का डिफरेंट है, फिर 3 का डिफरेंट है, फिर 4 का डिफरेंट है, फिर 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यही एक भड़काऊ हो जाते हैं, एग्जाम में गलत हो जाते हैं। अब चलेंगे इसमें, देखिए 9 का 1 डिफरेंट है, फिर 4 का डिफरेंट हो जाएगा, फिर 9 का डिफरेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद 16 का डिफरेंट हो जाएगा। अब मालूम चल रहा है हमें स्क्वायर है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 39 में अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलेंगे इसमें देखिए 5 और 81 का डिफरेंट कितना होगा, और फिर इसका 160 का डिफरेंट कितना होगा, 5 और कितना घटा दो 81 बचेगा जाके इसमें ना, 81 बचेगा जाके, अब फिर इसके बाद 49 बच रहा है, 86 और 49 135 होता है, जोड़ लीजिए और 149, अच्छा ये देखिए 8 का 9 का स्क्वायर है, ये 7 का है, अब बचेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 अगर हम इसमें घटा देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें 25 ना, नहीं 6 का स्क्वायर 36 होगा ना इसमें, 36 5 देखो 9, फिर 9 के बाद कितना आता है, फिर कितना हो रहा है 7 का हो रहा है, फिर 5 का होगा भैया, ठीक है 5 का होगा, तो 5 का जब हम करें घटाएंगे इसके बाद क्या करेंगे, 5 के बाद हम लोग करेंगे 25 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 160 होता है, 160 होता है 25 135, अब इसके बाद और इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो 5 के बाद कितना होगा जाके 3 3 का 9, तो 9 और 160 जब ऐड कर देंगे तो 169 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 32 नंबर देखते हैं, अच्छा इस पर अगर हम चलेंगे चर्चा लेकर के, क्वेश्चन क्या है इसमें 176 डिफरेंट अगर निकालते हैं ना तो 169 इसका डिफरेंट निकलेगा। अब इसका अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जाके 176 और 297 11 100 कितना होता है 121 हो जाएगा इसका डिफरेंट। तो मालूम ये चल रहा है कि 13 का स्क्वायर है, जो हमने स्क्वायर याद करवाया है उसी से रिलेटेड है, और ये 11 का स्क्वायर है, अब हमारा 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर अगर इसमें देखिए अंतर निकालेंगे तो 981 और 297 अगर जोड़ेंगे तो 278 होता है। अब इसके बाद हम 7 का स्क्वायर लाएंगे 49 होता है, 49 में अगर हम 378 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 427, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं, अच्छा क्या है देखिए इसमें कितना का है 11 है, फिर इसका 22 है, फिर इसका 44 36 44 कितना होता है 80 होता है, 44 हो जाएगा, 44 के बाद 88 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना 80 डिफरेंट। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका जो कि आंसर कितना आएगा जाके, आंसर की अगर हम बात करेंगे कैसे करेंगे और एक बार समझ लीजिए अच्छा अच्छे से, देखिए इसमें 11 का अंतर है 3 से 14 तक, और 14 से 36 तक 22 का अंतर है, और फिर 36 से 80 तक कितना है 44 का। अब देखिए 11 है डबल हो रहा है 22 है 44 है, अब 88 करेंगे तो 88 और 80 कितना होता है 168, तो 168 इसका आंसर
ठीक है, 168 इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में, और जो कि 250 क्वेश्चन है छोटे छोटे वीडियो के साथ ले चलेंगे, ताकि देखने में आसान रहे, और स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे हैं मैथ और इंग्लिश के, तो अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।